व्हाट्सअप लविंग पीपल, कैसे आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी ने देखा नेक्स्ट ब्लॉग में कि हम लोग संडे राइड पे गए थे और बहुत मज़ा आया वहाँ तो। और अभी बज रहे हैं 9:30 और हम लोग जा रहे हैं, मतलब फैमिली के साथ मैं जा रहा हूँ नाना के घर, क्योंकि वहाँ प्रतिष्ठा हो रहा है, नाना का घर प्रतिष्ठा हो रहा है। तो वहाँ चलते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। तो चलो चलते हैं। सो गाइज, मेरे साथ दीदी स्कूटी पे और मम्मी पापा बाइक पे निकल चुके हैं, तो चलो हम लोग भी चलते हैं। एशिया कॉन्टिनेंट जो है उसका सेकंड बिगेस्ट एयरपोर्ट है अपना झारसुगड़ा में, जो कि बहुत बड़ी बात है। और अभी फिलहाल दीदी ड्राइव कर रही है स्कूटी भाई, मतलब 2 मिनट के लिए भी रोड खाली नहीं हो रहा है, 1 मिनट के लिए सिर्फ पूरा नॉनस्टॉप ट्रक आते जा रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक। देखो गाइस, पूरा ट्रक ही ट्रक पूरा जाम हो गया इधर। फाइनली अभी हम लोग नाना के घर पहुंच चुके हैं, मतलब हम लोग अभी तलपटिया हैं और मैं आपको वीडियो में बताना भूल गया था, तो चलो अंदर चलते हैं। बूंदी से वो मिला है अपने को खाने को। भाई लोग नाश्ता तो कर लिया हमने, मस्त पेट फुल हो गया, अब मौज करते हैं। मतलब चलो अभी घर देखते हैं कैसा बना है, मैं भी अभी तक देखा नहीं हूँ, चलो देखते हैं एक साथ। पूजा खत्म हो चुका है और ये टीका मेरे ऊपर कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। मुझे तो उतना बेसिकली पसंद नहीं है टीका, क्योंकि मेरे पे उतना अच्छा नहीं दिखता है, मेरे को लगता है मेरे हिसाब से। आप सब बताना कमेंट करके कैसा लग रहा है ये टीका। और चलो अभी खाना पीना करते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। लेट्स गो। मैं आपको बाद में दिखाऊंगा रूम, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं बाद में दिखाऊंगा आपको रूम सब कैसा है, घर कैसा बना है। तो फिलहाल पहले अभी हम लोग खाना पीना कर लेते हैं, फिर देखते हैं, बाद में दिखा दूंगा मैं आपको। तो खाना पीना हो चुका है और हम लोग जा रहे हैं अभी थोड़ा घूमने, तो और पास में नदी है तो वहाँ चलते हैं। और अभी सनसेट भी हो रहा है तो मस्त व्यू आएगा, तो चलो चलते हैं और देखते हैं। और मेरे साथ जा रहा है ये मेरा भाई। सो हम लोग अभी पहुँच गए अपने लोकेशन पे और बहुत बढ़िया व्यू आ रहा है यार गाइस, मतलब बिलीव नहीं करोगे बहुत मस्त व्यू आ रहा है। चलो मैं दिखाता हूँ आपको, देखो कितना मस्त व्यू आ रहा है, देखो बहुत मस्त भाई, ऑसम लग रहा है। और ये साइड सनसेट है उसके लिए और भी बेहतरीन दिख रहे। चलो अभी नीचे भी थोड़ा उतरते हैं, फिर देखते हैं, नीचे से भी मस्त लग रहा है। और वो तो नीचे पहुंच गए, देखो गाइस। ओ भाई इतना बड़ा कुआं, लेकिन ऐसा क्यों करते हैं यार, ये नहीं करना चाहिए, बहुत गलत बात है प्लास्टिक फेंकना किसी। चलो हम लोग फिलहाल तो नीचे चलते हैं, देखो साइड साइड सब साइड पूरा गंदगी करके रख दिए हैं, ये बहुत गलत बात है यार। चलो नीचे चल। ओ भाई खाली पत्थर ही पत्थर है इधर। चलो नीचे तो आ गए, अब यहाँ से देखो बहुत बढ़िया यार व्यू, यहाँ से भी मस्त आ रहा है। थोड़ा फोटो वोटो भी ले लेते हैं। भाई मस्त आ रहा है ना सनसेट व्यू, स्लोमो बना दे कुछ क्लिप्स ऐड कर देंगे, मस्त लगेगा। ठीक है तो गाइज आप एंजॉय करो क्लिप्स, मैं आपको दिखाता हूँ स्लोमो वाला बढ़िया।
भाई हमने यहाँ से आए थे पत्थर पे कूद कूद के, मतलब देखो पैर ये भाई साहब। अरे किनो अखबार तिला भाई, अब गया ये खुद। फाइनली आ गए हम लोग इधर का। देखो यार खाली पत्थर ही पत्थर है हर जगह, और सभी ने देखा कि कितना मस्त व्यू आ रहा था यार। कुछ अपना पिक अपलोड करूँगा इंस्टाग्राम पे, तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाओ जाके देख लेना। और चलो अभी हम लोग घर चलते हैं, और देखो अभी भी सीन मस्त है भाई। और कमेंट करके बताना गाइस कैसा लगा, मतलब क्लिप्स जितना भी है कैसा लगा कमेंट करके बताना। ये अपना छोटा पहाड़, पहाड़ तो नहीं मतलब डुमरी बोलते हैं इसको हमारे भाषा में, आप क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, बट इसे डुमरी बोलते हैं इतना पता है सबके भाषा में। इसे क्या बोलते हैं कमेंट करके बताना, मतलब ये छोटा एकदम छोटा सा पहाड़ को क्या बोलते हैं बताना, हम लोग तो डुमरी बोलते हैं इसको। गाइस वर्जन कीर्तन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। और मैं तो सिर्फ 5 मिनट के लिए वहाँ रुका था, मेरा कान अभी तक भी सुन पड़ गया गाइस बहुत ही ज़्यादा, लेकिन मज़ा भी आया देखने को। और फिलहाल अभी चलते हैं खाना खाने को, उधर बुला रहे हैं सब, तो चलते हैं। सो भाई लोग खाना पीना हो चुका है, और खाने में पूड़ी मटर का सब्जी और खीर बना था। खीर तो भाई बहुत टेस्टी था, मज़ा आ गया खा के। और अभी मैं 11 बजे शूट कर रहा हूँ, देखो सब तरफ अंधेरा, मतलब पीछे भी अंधेरा, इधर रो लाइट भी नहीं जल रही, ऑफ हो चुका है सब तरफ का। भाई भाई इतना बजे से हम लोग की तरफ तो फिलहाल 12 बजे तक 1 बजे तक रहते हैं बाहर में, मतलब अभी तक सोए नहीं रहते हैं हम। इधर तो पूरा भाई अंधेरा हो चुका, मतलब कोई नहीं है, कोई एक इंसान तक नहीं दिख रहा है, कि कुत्ता तक भी नहीं दिख रहा है बाहर में। भाई बेसिकली ठंडी का भी मौसम है, तो कौन घूमेगा भाई लोग बाहर, इतना ठंडी में कौन घूमेगा भाई, बहुत ठंडी भी है। जैसे कि आप सभी ने देखा है इस ब्लॉग में कि हम लोग घर प्रतिष्ठा में आए थे, नाना के घर, नदी गए, फिर भजन कीर्तन हुआ है, और अभी तो फिलहाल हम लोग यहीं पे हैं, मतलब नाना के घर पे। कल सुबह देखते हैं घर जाना है सुबह कि शाम को चलेंगे। फिलहाल ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।